केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हेल्थ बजट में 137% के इजाफे की घोषणा की है, साथ ही उन्होंने नई स्वास्थ्य योजना की भी शुरुआत करने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित किया गया है, जरूरत हुई तो और भी फंड दिया जाएगा। कुल हेल्थ बजट 2,32,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछली बार ये बजट 92,000 करोड़ का था। 137% की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,32,846 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट है। साथ ही 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी अस्पताल बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। बजट में घोषणा की गई कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, 9 बायो लैब भी बनाए जाएंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया है कि इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।